तो कोरोना की थर्ड वेव को लेकर, तीसरी लहर को लेकर बार बार चेतावनी दी जा रही है, आगाह किया जा रहा है, लेकिन राजधानी दिल्ली में अनलॉक होते ही लोगों ने बड़ी संख्या में बाजार में निकलना शुरू कर दिया है। कोरोना के मामले कम हुए तो बाजारों को खोला गया और इस अनलॉक में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क जो कि मैंडेटरी है, जो कि आपकी अपनी सेफ्टी के लिए, आपकी अपनी स्वास्थ्य के लिए है, सावधानी का एक अहम हिस्सा है, मास्क गायब हो रहा है धीमे धीमे। कोरोना के घटते मामलों के बीच दिल्ली में सोमवार से पाबंदियों में और ढील दी जाएगी, लेकिन जो तस्वीरें अभी आ रही हैं वो तो और भी ज्यादा चिंता बढ़ा रही हैं। कल से दिल्ली में अनलॉक 5 की प्रक्रिया की शुरुआत होगी, जिसके तहत अब सोमवार से राजधानी दिल्ली में जिम, योगा सेंटर, बार खोले जा सकेंगे। डीडीएमए ने अपने आदेश में जिम, योगा सेंटर को अपनी कैपेसिटी 50% यानी 50% खोलने की इजाजत दी है। इसके अलावा मैरिज हॉल्स खोलने की भी इजाजत मिल गई है। बॉर्डर पार करने के लिए अब दिल्ली में ई पास की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अहम बात यह हो जाती है कि जब ये रियायतें दी जा रही हैं, जब ये रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं, तो हम अपनी जिम्मेदारी ना भूलें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। दिल्ली में बाजार खुलेंगे, इसके अलावा मध्य प्रदेश में आज से अब पूरे हफ्ते बाजार खुलेंगे। संडे लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है, रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बीते 24 घंटे में 50 से कम कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 35 जिलों में एक भी नया संक्रमित मरीज नहीं मिला है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी संडे अनलॉक हो चुका है, शादियों में 50 लोग मौजूद रह सकते हैं। वहीं राजस्थान की बात करें तो अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। राजस्थान में शादी समारोह पर 30 जून तक के लिए पाबंदी बरकरार रहेगी, जबकि सरकारी कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। तो आपको हम लगातार बता रहे हैं कि कैसे दिल्ली में अनलॉक 5 के चलते अब क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, पार्क, जिम और योगा सेंटर्स खुलेंगे, लेकिन सिनेमा हॉल्स और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। सिर्फ शादी के लिए बैंक्वेट हॉल खोले जा सकेंगे, लेकिन इसके अलावा स्विमिंग पूल, स्पा सेंटर्स बंद रहेंगे। गोल्फ कोर्स तो खुलेगा, लेकिन स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फिलहाल बंद रहेंगे। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं कि क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। इस इंफॉर्मेशन को आप नोट भी कर सकते हैं। कल से दिल्ली में ई पास की जरूरत नहीं होगी। बॉर्डर पर बगैर ई पास के आप आ जा सकेंगे। स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग संस्थान यानी शैक्षणिक संस्थाएं फिलहाल बंद ही रहेंगी। तो आपको हम ये भी बार बार बता रहे हैं कि दिल्ली में जिम खुलेंगे तो सही, लेकिन सिर्फ 50% क्षमता के साथ, और ये तैयारी शुरू भी हो चुकी है। लेकिन आपसे हम यही अपील बार बार करेंगे कि आप एहतियात बरतें, सावधानी बरतें। जिम में जिन लोगों की एंट्री होगी, अगर आपको भी जिम जाना है तो आपका वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है, आपको डोज लगी हो। मेरे सहयोगी राजू राज और डिटेल्स आप तक पहुँचा रहे हैं। अनलॉक 5 के तहत राजधानी दिल्ली में 50% की कैपेसिटी के साथ जिम खुल रहे हैं। जिम में तैयारियां शुरू हो इस वक्त में राजधानी दिल्ली के एक जिम में, और यहां पर कल से जिम खुलेगा, तैयारियां शुरू हो चुकी है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, जो जिम करते हैं, वो इस इंतज़ार में थे कि कब जिम खुलेगा। जिम मालिकों को भी इंतज़ार था, क्योंकि उन्हें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा था। लगातार सरकार से अपील की जा रही थी कि जिम को खोला जाए, कैसे तमाम सुरक्षा गाइडलाइन का पालन किया जाएगा उसकी भी तैयारी चल रही है, सफाई चल रही है। अब देखिए, एक शख्स यहाँ पर सैनिटाइज भी कर रहा है, और बताया जा रहा है कि जब जिम 50% कैपेसिटी के साथ खुलेगा तो हर घंटे जिम में सैनिटाइजेशन का काम होगा। बात करते हैं जिम के मालिक संचालक से, पारस गुप्ता हैं। पारस जी, कल से जिम खुल रहा है, क्या तैयारियाँ, क्या गाइडलाइन? देखिए, पहले तो एक्साइटमेंट है काम करने की। 2 महीने बाद दोबारा हमारे दुकानों के शटर खुल रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, साफ़ सफाई की तैयारी में लगे हुए हैं। जो चीज़ें ख़राब हो गई है उनको रिपेयर करवा रहे हैं, सर्विस करवा रहे हैं चीज़ों की। एक्साइटमेंट है काम करने की। देखिए, एक जो महत्वपूर्ण सवाल है कि जब लॉकडाउन था, लोग काफ़ी डरे, समय जिम में नहीं आ रहे हैं, भीड़ गैदर हो रहा था, बीच में खुला भी, मार्च तक चला, फिर मार्च में जिम बंद हो गया, 2 महीने बंद रहे हैं, फिर खोल रहे हैं। तो अब लोगों की सुरक्षा का क्या गाइडलाइंस है, किस तरीके से पालन होगा, 50% कैपेसिटी की जो बात चल रही थी उसे कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? देखिए, हमने पूरी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की जो पहले आई थी पूरी फॉलो करी थी, इस बार भी पूरी फॉलो करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने हर
मीटर पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करी है, मनारक मार्किंग कर रखी है, उसके बाद जो भी आएगा ऑक्सीजन मीटर से उसकी ऑक्सीजन चेक करी जाएगी आफ्टर वर्कआउट, बिफोर वर्कआउट बॉडी टेम्परेचर चेक करा जाएगा। इन तमाम चीज़ों का पालन किया जा रहा है ताकि लोग बेखौफ होकर आए, जिम करें, एक्सरसाइज करें और स्वस्थ रहें। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो एक्सरसाइज के पीछे मकसद होता है खुद को फिट रखना, लेकिन खुद को जब आप फिट रखने की कोशिश करें तो लापरवाही मत बरतिए। बार बार हम आपको इस बात को लेकर आगाह कर रहे हैं कि तीसरी वेव को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है और साथ ही लापरवाही की तस्वीरें आ रही हैं, इसलिए जिम भी कीजिए, सावधानी भी बरतिए, मास्क का भी इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का भी पालन कीजिए। तो लगातार कम हो रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को ध्यान में रखकर अनलॉक 5 से जुड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसके तहत अब बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल्स और साथ ही होटल में शादी की इजाजत दे दी गई है। कई दिनों से परेशान बैंक्वेट हॉल के मालिक इस फैसले को लेकर खुश हैं और उनका ये कहना है कि धीरे धीरे इसकी संख्या को 50 गेस्ट से बढ़ाकर 100 गेस्ट तक किया जाए। मेरे सहयोगी वैभव परमार की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले अब लगातार कम होते जा रहे हैं, ऐसे में अनलॉक 5 के तहत कल से बैंक्वेट हॉल्स को खोलने की अनुमति दे दी गई है, साथ में जिम्स और योगा सेंटर्स को भी अनुमति दी गई है। इस वक्त हम आए हैं दिल्ली के मयूर विहार स्थित एक बैंक्वेट हॉल में। आप देखिए किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं यहाँ पर, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि किस तरीके से जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो जो बैंक्वेट हॉल्स थे, पब्लिक पार्क्स थे, पब्लिक प्लेसेस थे और जो जहाँ पे शादियाँ होती थी उन एरियाज को, उन जो हॉल्स थे उनको बंद कर गया था। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए कहा गया था कि कहीं ना कहीं वो पालन करना होगा लोगों को, और यहां पर भीड़ होती है तो संक्रमण बढ़ सकता है, ऐसे में इन बैंक्वेट हॉल्स को बंद कर दिया गया था और अनुमति दी गई थी कि आप घर में या कोर्ट में शादी कर सकते हैं। ऐसे में कल से राहत बैंक्वेट हॉल्स को दी गई है, उनके ऑनर्स इससे खुश जरूर हैं। हमारे साथ सोनाल जी जो हैं, जो इस बैंक्वेट हॉल के ऑनर हैं। सर, कल से राहत दी गई है जी, क्या रिलैक्सेशंस मिले हैं और किस तरीके से आप इसको देखते हैं? एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 50 लोगों की अनुमति दी गई है अभी तक यहाँ पे बैंक्वेट हॉल के अंदर, बट आपको पता है कि बैंक्वेट हॉल बंद थे अप्रैल 19 के बाद से ही, काफ़ी मुश्किल हो रही थी लोगों को शादी करने के लिए, तो कोशिश ये करी गई है कि 50 लोगों की अनुमति से, लेकिन हमारा जो काम है वो चल नहीं पाएगा, 50 लोगों में बहुत ही कम है, कम से कम 100 लोगों का इनको अलाउ करना चाहिए था। और बाकी सैनिटाइजेशन वगैरह का, सब चीज़ों का हम पूरा तरीके से पालन करेंगे, हर एक चीज़ का जो गाइडलाइन आई है उसके हम पूरा उसको करेंगे तरीके से सारा। अभी क्या किस तरीके से प्रिपरेशंस हो चालू हो गई? प्रिपरेशन यही है, साफ सफाई क्लीनिंग वगैरह का हमने शुरू कर दिया है सारा, और सैनिटाइजेशन वगैरह सब चीज़ें पूरी पूरी डीप क्लीनिंग वगैरह सारी चीज़ें वो करना स्टार्ट करा है। स्टाफ को भी वैक्सीनेशन वगैरह जो है उनको भी अलाउ करा रहे हैं कि सब वैक्सीन करके ही करें इसको स्टार्ट। उनका वैक्सीनेशन हो जाएगा, उन्हें आप परमिशन, उनको उनको ही परमिशन दी जाएगी। ठीक है, और अभी क्या उम्मीद करते हैं कि आगे अगर कोरोना के मामले कम होते हैं तो आप और लोगों की अनुमति मिले ऐसा कुछ? और लोगों की अनुमति ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार कब तक इसको पूरा फुल फ्लैश स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से इफेक्टेड हुई है इस कोरोना काल के टाइम में जी। ठीक है, तो एक राहत की बात ज़रूर है बैंक्वेट हॉल ऑनर्स के लिए, वो चाहते थे कि काफ़ी समय से आर्थिक गतिविधियां बंद थी और शादियां नहीं हो पा रही थी बैंक्वेट हॉल्स में, जिसकी वजह से लोग तो परेशान थे ही, साथ में ऑनर्स भी परेशान थे, तो अब एक राहत भरी बात है उन लोगों के लिए। लेकिन एक जो आस उन्होंने लगाई थी कि 50 लोगों की जो शुरुआत थी अब जो की गई है उसे आगे धीरे धीरे करके बढ़ाया जाए, तो अब जो है अनलॉक 5 के तहत दिल्ली में बैंक्वेट हॉल्स को खोल दिया गया है। वैभव परमार, जी मीडिया, दिल्ली। आपको अगर दिल्ली में बॉर्डर क्रॉस करके जाना होता है या आना होता है तो आपके लिए भी राहत की खबर है, क्योंकि कल से दिल्ली में नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम या किसी भी बॉर्डर को पार करने के लिए ई पास नहीं लगेगा। डिटेल्स मेरे सहयोगी राजू राज आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे जैसे राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं वैसे वैसे अनलॉक की ओर दिल्ली बढ़ रहा है। अनलॉक 5 की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी राहत यह है कि दिल्ली आने वाले लोगों को अब ई पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक राहत वाली खबर है। इस वक्त मैं हूँ दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर। आप तमाम देखिए, यहाँ पर जो बैरिकेटिंग है उनको खोल दिया गया, जो चेकिंग पहले होती थी अब यहाँ पर नहीं हो रही है। तमाम गाड़ियाँ आसानी से राजधानी दिल्ली में जा रही। इसके अलावा बस सेवा, मेट्रो सेवा 50% के साथ ही चलेगी। इसके अलावा शमशान घाट पर जो अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोग नहीं जा पाएंगे, ये यथावत पहले की तरह है। लेकिन अनलॉक 5 के बाद बार, जिम, स्विमिंग पूल तमाम 50% की कैपेसिटी के साथ खोले जाएंगे। ये एक राहत की खबर है, लेकिन
बता दें कि अभी खतरा टला नहीं है, डेल्टा वेरिएंट की शुरुआत हो गई है, तीसरी लहर की बात चल रही है, इसीलिए सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मास्क और जो दूरी है, दो गज की दूरी लगातार बनाए रखिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा, तभी अर्थव्यवस्था पटरी पे आ सकेगी। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। मेरे तीन सहयोगी इस वक्त साथ में हैं, राजू राज दिल्ली से हमारे साथ हैं, आकाश द्विवेदी भोपाल से हमारे साथ हैं। मध्य प्रदेश में केसेस में बहुत ज्यादा कमी देखी गई है, और साथ ही जयपुर से शशि मोहन, जहां पर अनलॉक 3 की तैयारी है। सबसे पहले एक अपडेट हम शशि मोहन से लेंगे, अनलॉक 3 की बात बार बार की जा रही है, नई गाइडलाइंस आई हैं, आपको इस समय ग्राउंड पर क्या दिखाई दे रहा है, और जो नई गाइडलाइंस हैं इनमें सबसे बड़ी राहत किसके लिए है? देखिए, आज रविवार का दिन है, इसलिए आज यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है अनुशासन पखवाड़े के तहत, और कर्फ्यू जो है पूरी तरह नहीं हटा है। शनिवार रात 8 से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। और सबसे बड़ी जो राहत की बात है वो दुकानदारों के लिए है, कारोबारों के लिए है, जिनको 3 घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया है। जो दोपहर 4 बजे तक का समय था उसको 7 बजे तक बढ़ा दिया है, लेकिन इसमें एक बहुत विशेष प्रावधान किया गया है, यह सुविधा केवल उन्हीं कारोबारियों के लिए होगी जिनके स्टाफ में 60% कर्मचारी वैक्सीनेट हो चुके हैं। इससे देखिए दो फायदे होंगे, दूसरे जो कर्मचारी हैं वो भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित होंगे, क्योंकि जो एम्प्लॉयर हैं वो अपने स्टाफ को कहेंगे भैया आपको काम करना है, आपको स्वस्थ रहना है, आपको फील्ड में आना है, दुकान पे आना है, तो आप वैक्सीनेट कराइए। और एक और पहलू है, जो पार्क खोले जा रहे थे, जिम पहले से खोल दिए थे, पार्क सुबह की पारी में खोल दिए थे 5 से 8 बजे तक, शाम को भी अब पार्क खुलेंगे, लेकिन शाम को केवल उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जो वैक्सीनेशन की एक डोज ले चुके हैं, तो इससे भी वैक्सीनेशन के लिए लोग प्रेरित होंगे। बीकानेर में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला पेशेंट आ चुका है, राजस्थान के उत्तरी जिला है बीकानेर, जो वहां पर पहला पेशेंट आ चुका है डेल्टा प्लस वेरिएंट का, इसलिए एक चिंताजनक स्थिति है। लिहाजा अलग अलग जगह जिलों में कमेटी बनाई गई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SP और दूसरे अधिकारी मौजूद रहेंगे, वो वहाँ के मौके के हालात देखेंगे, कंटेनमेंट जोन बनाएंगे, और बीकानेर में कंटेनमेंट जोन बना भी दिया गया है। राहत की बात यह है कि कल पूरे जिले में 133 में से 7 जिले में तो ऐसे स्थिति थी कि कोई भी पेशेंट नहीं था, और पूरे राजस्थान से केवल 141 नए पॉजिटिव मरीज आए थे, तो ये एक राहत की बात है। लेकिन शशि मोहन आगे आपके पास आएंगे, आकाश द्विवेदी भोपाल से हमारे साथ हैं। आकाश, हमने देखा है कि केसेस में कमी मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में आई है, और उसी को देखते हुए बड़ी रियायतें, बड़ी राहत का ऐलान राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इन रियायतों में, इन रिलैक्सेशंस में सबसे बड़ी राहत किसे माना जाए? देखिए आदिति, मध्य प्रदेश में कोरोना के केसेस तेजी से कम हुए हैं। पिछले दिन की बात की जाए तो 50 से कम मामले सामने आए हैं। 52 में से 35 ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना का एक भी नया केस नहीं मिला है, और पॉजिटिविटी दर 0.06 पर पहुंच गई है। सभी प्रकार की छूट अब सरकार ने दे दी है, सिर्फ सिनेमा घर, स्विमिंग पूल और स्कूल, धार्मिक स्थल, कॉलेजेस खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, बाकी सभी तरह की छूट अब कोरोना गाइडलाइन के साथ सरकार ने दे दी है। और संडे का जो वीकेंड लॉकडाउन रखा गया था 8 से, उसे भी खत्म कर दिया गया है। सरकार का ये मानना है कि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है, हर दिन मध्य प्रदेश तेजी से नया रिकॉर्ड बना रहा है, इसीलिए अब लोगों को राहत दी जाए, चूंकि कोरोना के केसेस भी कम हो रहे हैं। मध्य प्रदेश झीलों का शहर है, और हम अभी मौजूद हैं राजधानी भोपाल के बड़े तालाब पर, बोट क्लब इसे कहा जाता है, और लेक व्यू है। आप देख सकते हैं कि आज जब संडे अनलॉक हुआ है, करीब 103 दिन बाद संडे अनलॉक की प्रक्रिया की गई है, और आज वीकेंड भी है, तो लोग बड़ी संख्या में घूमने निकले हैं, और चूंकि शाम का समय है और मौसम भी सुहाना है, तो लोग अपनी तरह से मौसम का लुत्फ़ उठा रहे हैं। बोट क्लब है तो लोग बोटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन एक लापरवाही अदिति देखी जा रही है, जिसकी बार बार चेतावनी दी जा रही थी कि मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। इसी के देखा भी कि लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है, तो इसीलिए हम भी जी न्यूज पर बार बार अपील कर रहे हैं कि जो आपको राहत मिल रही है पाबंदियों से, इसका सही फायदा उठाइए, सही तरीके से मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। राजू राज, एक सवाल ये भी है, रियायतें, ये रिलैक्सेशन, तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का आंकड़ा दिल्ली को लेकर कितना?
देखिए लगातार वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है रिकॉर्ड तौर आज की तारीख में जो वैक्सीनेशन हुआ है और लगातार कोशिश है कि तमाम लोगों तक वैक्सीन जल्दी से जल्द करवाया जाए, इसलिए दिल्ली सरकार भी लगातार हर बूथ के लेवल पर वैक्सीनेशन करवा रही है। जहां तक अनलॉक 5 की प्रक्रिया है, दीति बता दूं कि जो तमाम जिम्स हैं या फिर बार हैं या फिर जो दिल्ली में बॉर्डर पर जो पहले ई पास लगता था उसे हटा दिया गया है, तो एक बड़ी राहत है। जिम वालों से भी हमने ग्राउंड जीरो पर जब वहां पहुंचे उनसे बात की, उन्होंने कहा कि जितने भी स्टाफ होंगे जो लोग जिम करने आएंगे उन्हें वैक्सीन का डबल डोज का सर्टिफिकेट चाहिए, यानी जो लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं उन्हें वैक्सीन लगा के ही आना होगा, एक पहली जो शर्त ये रखी गई है और वैक्सीन मालिक को भी बताया गया। दूसरी तरफ जितने भी बार हैं, जो बार खोल रहे हैं, हालांकि दिल्ली में पार्टी कल्चर ज़्यादा है, लोग ज़्यादातर वीकेंड में बार जाते हैं, बार परिवार के साथ दोस्तों के साथ, वहाँ पर 50% की कैपेसिटी रखी गई है। बार के जितने भी स्टाफ हैं उन्हें वैक्सीन लगाना होगा तभी उन्हें बार में काम करने का मौका मिलेगा। तो तमाम रियायतें दी गई है, लेकिन तमाम जो भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं वहाँ पर लापरवाही जरूर देखने को मिली है। वहाँ पर प्रशासन की जिम्मेदारी है सतर्कता बरते, कठोर कार्रवाई करे, जो चलान काटे जा रहे हैं उसकी प्रक्रिया को भी तेज करनी होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क पहने, क्योंकि डेल्टा का वेरियंट है वो खतरे को घंटी बजा रहा है। लगातार चिंता जताई जा रही है राजू राज, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो प्रोटोकॉल है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है आपको उसको फॉलो करना है, चाहे कितनी ही पाबंदियां आप पर से क्यों ना हटा ली गई हों, क्योंकि देशभक्ति दिखाने का ये भी अपने आप में एक तरीका है। तो आपकी जो राष्ट्र के प्रति ड्यूटी है, आपकी जो परिवार के प्रति ड्यूटी है, आपकी जो समाज के प्रति ड्यूटी है, जिसमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना और खुद को इन्फेक्शन से बचाना, साथ साथ आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्हें भी इन्फेक्शन से बचाना, ये आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है। हम जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ, आप देखते रहिए जी न्यूज़। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.